148 सीटों का प्रोजेक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 245 से 267 सीट्स तक मिल सकती हैं सीटों के। अगर 2017 के साथ कंपैरिजन करेंगे सीटों के लिहाज से थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी सत्ता रिटेन करते हुए, सत्ता में कमबैक करते हुए बीजेपी और उसके अलाइज, वहीं समाजवादी पार्टी सीटों के लिहाज से गेन करते हुए, लेकिन फिर भी सत्ता से दूर, सत्ता से आउट। 125 से 148 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शंभुनाथ जी, एक्सपेक्टेड था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि जो बीजेपी को अचानक, बीजेपी या समाजवादी पार्टी का जिस तरह से वोट बैंक दोनों का बढ़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और बीजेपी को इतना लॉस होगा, इसके तो उम्मीद नहीं की जा सकती थी। फिर भी ये मानना चाहिए, चूंकि योगी आदित्यनाथ की छवि लोगों के बीच बहुत बढ़िया है, बीजेपी क्या छवि इससे कोई मतलब नहीं। योगी आदित्यनाथ की एक छवि तो ये है, जो अभी नरेश कह रहे थे कि अखिलेश यादव युवा हैं, मजे की बात योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की उम्र लगभग बराबर है, पर योगी चूंकि गेरुआ कपड़ा होने के कारण लोगों ने समझ लेते हैं कि वो तो महंत हैं, बुजुर्गों के नेता होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों